हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहा हूँ। आर्टिकल का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जैसे मान लो ये एक करंट कैरिंग लूप है, वैसे ये डिस्क है, मान लो बीच में खोखला है। ठीक है, अगर ये मान लो बीच में क्या है, खोखला है, ठीक ना, तो ये एक रिंग बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसके कारण इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके एक्सिस में। बताओ इसका एक्सिस क्या होगा? ये होगा इसका एक्सिस, ये होगा ना इसका एक्सिस। तो इसके एक्सिस में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे, हम लोग चार्ज कॉयल के कारण हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ड्राइवेशन बहुत हद तक सेम होगा, बहुत हद तक सेम होगा, ग्राफ में अंतर है दोनों के, ड्राइवेशन बहुत हद तक सेम है। ठीक है, तो उसका अगर आइडिया तो यहाँ पर भी आराम से कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राइवेशन को। मान लो कोई भी कॉयल है, करंट कैरिंग कॉयल है, ठीक है ना, मैं एक्सिस भी बना देता हूँ। ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, जहाँ पे मैं निकालना है मैग्नेट इस एक्सिस पे। हाँ, तो देखो ये किस एक्सिस पर रखा हुआ है, किस एक्सिस पर रखा हुआ है, तो बताओ ये वाई जेड एक्सिस पर रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन पर है ना, ये वाई और ये जेड, ये वाई ये जेड, तो इस प्लेन पर रखा हुआ है। तो इसका एक्सिस किधर होगा, एक्स में तो दिख भी रहा है, एक्स में। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ओके, मान लो ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, सपोज कर लो वो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कॉयल से डी डिस्टेंस पर। बच्चों कितने डिस्टेंस पर? बच्चों डी डिस्टेंस पर, ये जो है डी डिस्टेंस पर, और इसका जो रिंग का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ रिंग जो है, रिंग जो है वो मान लो ए है। ठीक है, और ये चलो ए है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। आई करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर तुम इस साइड से देखो तो आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस साइड से अगर देखो तो ये हो गया आई करंट फ्लो कर रहा है, सब कुछ लिख दिए। हाँ, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब तुम निकालने जाओगे ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब तुम निकालने जाओगे तो देखो अलग 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 एलिमेंट, अगर अलग अलग लेंथ लो, यहाँ टुकड़े में कर दो लेंथ, तो हर एक लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, हर एक लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस कारण से हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब कैसे अलग वो मैं बताता हूँ अभी। इस कारण से हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में किए थे। ठीक है, वैसे ही करना है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेगा, छोटे से एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग ना एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं छोटा सा, मान लो हम यहाँ पे एक एलिमेंट लिए हुए डीएल, दिख रहा है सभी को, ये डीएल एलिमेंट है, हम लिए हुए, ठीक है ना, ये डीएल एलिमेंट ऊपर लिए हुए। अब इसके कारण हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस लाइन को थोड़ा ज्वाइन कम करते हैं। ठीक है, मान लो ये लाइन इससे फाई एंगल बना रहा है, ये लाइन क्या है अभी हम बताते हैं। देखो लाइन क्या है ना, जैसे हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ में डीएल, जैसे ये डीएल होता था बायोट सेवर्ट लॉ में, डीएल और ये पॉइंट पी, तो उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग आर लिखते थे ना, तो इसको भी सपोज कर लो ये आर है जो पॉइंट पी और इसको जोड़ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर फाई एंगल बना रहा, फाई एंगल है। ठीक है, फाई ये अल्फा कर दे क्या जाता, तुम लोग को कन्फ्यूजन, अल्फा कर देता है, अल्फा एंगल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा एंगल ये बना रहा है। ठीक है, अल्फा इसलिए कर दिया क्योंकि थीटा और फाई में थोड़ा, मैं थीटा फाई ऑलमोस्ट सेम ही लिख देता हूँ तो तुम लोग कन्फ्यूज ना कर जाए, इसलिए मैं अल्फा कर दिया। ठीक है, ये अल्फा एंगल यहाँ बना रहा है। ठीक है, अब हमें डीएल, ये जो छोटा एलिमेंट है, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ निकालना बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है डायरेक्शन का, डायरेक्शन में स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। देखो डायरेक्शन यहाँ कैसे निकलेगा, यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग जो है पाल्म रूल लगाएंगे। पाल्म रूल कैसे लगाओगे बताते हैं। देखो ये जो डिस्क, ये जो रिंग है, अगर बीच में खोखला है पार्ट, अगर खोखला है तो ये क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा ना। अगर ये बीच वाला पार्ट खोखला है, ये तो अभी डिस्क है, बीच वाला पार्ट अगर निकाल देते तो क्या बन जाएगा बच्चों, रिंग बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, अगर ये रिंग है, ठीक है ना, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है बच्चों, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमें ना, मेरे को इस एक्सिस में पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करना क्या है सुनना, इधर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो पाल्म रूल लगाने के लिए ये अंगूठे को इधर ले जाओ, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, पाल्म का एरिया वेक्टर यही होगा ना, जो जो इस पेन का डायरेक्शन है, ये देखो ये एरिया वेक्टर, तो करंट ये डीएल है, ये इसका एक्सिस है,
तो डीएल की ये यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, क्योंकि एंटी क्लॉक है तो ऐसे जा रहा है, ये डीएल है, इधर करंट, इधर ही डीएल का डायरेक्शन होगा। तो ऐसे ले जाओ करंट की ओर अंगूठे को, ले जाओ करंट की ओर अंगूठे को ले जाओ, और जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे अंगूठे उसको टच करो। तो देखो ये जो डायरेक्शन देगा अंगूठा, जो पाल्म का एरिया वेक्टर, वही डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे अभी नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। जैसे ये है ना, तो यहाँ पे हाथ रखो, ये पाल्म, पाल्म किधर है, जिधर ये इंक्लिनेशन है आर का, उधर ही पाल्म है। तो पाल्म का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। पाल्म का जो एरिया वेक्टर है ना बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये इसका एक्सिस है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो अंगूठे को इधर ले जाओ, और अंगूठे का एरिया वेक्टर क्या है, सॉरी पाल्म का एरिया वेक्टर ये है, तो अंगूठे को इधर लेगा। देखो अंगूठे को इधर लेगा, देखो ये पाल्म, ये जो पाल्म दिख रहा है ना अभी, देखो ये पाल्म जो दिख रहा है ना, पाल्म जाके इस पॉइंट पे जाके टच हो गया। पाल्म इस पॉइंट पे जाके टच करवा दो, नहीं हो रहा फिर भी अंदाजा से मान लो कि डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो इस पाल्म का जो एरिया वेक्टर है, मतलब पाल्म को किससे रिप्लेस किया, आर से। तो इस पाल्म का जो एरिया वेक्टर वो किसको बता रहा है, इस पाल्म का एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, पाल्म का एरिया वेक्टर। और पाल्म को किससे रिप्लेस किया, ये आर से। तो आर के इंक्लिनेशन पे, तो इसका जो परपेंडिकुलर है, पाल्म का जो परपेंडिकुलर है वो आर का भी तो परपेंडिकुलर होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड का क्या बता रहा है बच्चों, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ये डीबी का डायरेक्शन है। अब बताइए अगर डीबी का डायरेक्शन है, इसको रिजॉल्व करो इधर और इधर, बताइए अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, कैसे, ये प्लस ये इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, और ये प्लस ये इक्वल टू भी 90, क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर है डीबी, ये प्लस ये भी 90 और ये प्लस ये भी 90, तो आपस में दोनों अल्फा इक्वल ही तो होगा। ये एंगल प्लस ये मान लो बीटा एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90, ठीक है, इसको गामा मान लो। अब बीटा प्लस गामा इक्वल टू भी 90, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू भी 90 है, और बीटा प्लस गामा इक्वल टू भी क्या है 90 डिग्री, दोनों को माइनस कर दो, बीटा से बीटा गया, 90 से 90 गया, तो अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया गामा। वैसे भी दिख ही रहा है तुम लोग, इतनी बार तो प्रैक्टिस की हो 9th में ज्योमेट्री। तो ये भी क्या बच्चों, अल्फा ही है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू इम्प्रूव करवा दिए, क्योंकि ये अल्फा है। तो बताओ ये अगर डी बी इधर गया, तो बताओ इधर क्या होगा बच्चों, डी बी कॉस अल्फा, और इधर क्या जाएगा, डी बी साइन अल्फा, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी तरह मान लो एक एलिमेंट नीचे लेते हैं, नीचे लेके देखो डीएल अगर लेते हैं, तो ये आर होता, ठीक है, सुनो ये क्या होता, आर, ठीक है, ये आर होता, और ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा ना, क्योंकि ये जितना ऊपर उतना ही नीचे है, तो ये भी क्या होता बच्चों, अल्फा होता। तो इसका भी, इसका जैसे इसका परपेंडिकुलर डीबी इधर है, इसके परपेंडिकुलर डीबी का डायरेक्शन है, तो इसी तरह इसके परपेंडिकुलर डीबी का डायरेक्शन है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये 90 डिग्री, देखो ये, तो ये क्या होता डीबी होता, ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होता अल्फा, जैसे ऊपर की है, जैसे ऊपर की है वैसे ही नीचे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो इधर क्या जाता बच्चों, डीबी कॉस अल्फा, और इधर क्या जाता डीबी साइन अल्फा, तो एक साइन अल्फा। तो देखो एक चीज देखना, डीबी कॉस अल्फा आपस में क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, हाँ सर कैंसिल आउट कर देगा। तो हम एक बात बोल सकते हैं, जो इन वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपर पार्ट ऑफ रिंग कैंसिल दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लोअर पार्ट ऑफ रिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जैसे उसमें किए थे हम लोग, ठीक है, उसमें भी किए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस अंतर ये था कि वहाँ ऊपर में साइन अल्फा आता था, वो अंतर क्यों है कि किसका डायरेक्शन अलग होता है, उसका अलग था, ठीक है, चलो जो भी है, तो उसमें भी वाई एक्सिस में कैंसिल हुआ, इसमें भी वाई एक्सिस में कैंसिल होगा, तो बच्चे का बस किस में, एक्स एक्सिस में। तो मेरे को पता चल गया कि अब एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, बस एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकाले, वो क्या होगा बच्चों, डी बी साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है, ये क्लियर है सभी को। अच्छा यहाँ पे 2 डीबी साइन अल्फा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये भी सर ये भी दो दो है, देखो दो दो, इसलिए अगर एक लिए हो ना तो लिमिट 0 से 2πr ले लेंगे, अगर दोनों को लोगे डीबी प्लस डीबी, तो यहाँ 2 डीबी साइन अल्फा लिखोगे तो लिमिट क्या लिखोगे, 0 से πr लेना होगा, क्योंकि आधा एक का 0 से πr है, दूसरे का πr से 2πr है, तो लिमिट बदलना पड़ जाएगा तुम्हें अगर दोनों को लिख दोगे, तो इससे अच्छा एक का लिखो आप पूरे, और लिमिट क्या ले लो 0 से 2πr ले लो,
समझ में आया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, यही चीज़ मैं इलेक्ट्रोस्टेट में भी बताया था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, ओके सर। अब हम लोग क्या करते हैं, बायोट लॉ यूज करते हैं, तो बताओ डी बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई, क्या था फॉर्मूला, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया डी बी की वैल्यू, और साइन अल्फा ये आ गया, ठीक है सर। अब थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, याद है तुम लोग को, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, याद है तुम लोग को, आर और डी एल के बीच का एंगल। तो यहाँ आर और डी एल के बीच का मुझे एंगल निकालना है, ओके, थीटा आर और इसके बीच का। तो देखो ये हम इसको क्या माने थे, रिंग माने थे ना, ठीक है, अगर ये पार्ट बीच वाला पार्ट निकाल देते रिंग बन जाएगा। तो देखो जो डी एल है एक छोटा सा पॉइंट होगा इस पर, जो डी एल है यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होगा ना, और उसका डायरेक्शन लेना करंट जिधर उधर की, डी एल का डायरेक्शन होता है, तो बताओ उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर देखो ये एरो, ये एरो, चलो ये एरो, ठीक है इधर हो गया, ठीक है। और ये आर किधर है बच्चों, ये आर ऐसे, देखो ये आर ऐसे, ठीक है ये आर ऐसे ऐसे जा रहा है, दिख रहा है ना सभी को, ये डी एल जिधर टेंजेंट, अब डी एल एक पॉइंट है, पॉइंट का डायरेक्शन किसी सर्कल पे कैसे निकालोगे, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी चीज़ का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उसका टेंजेंट किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर डी एल का डायरेक्शन निकालना तो टेंजेंट बना दो, तो हम बना दिए ये टेंजेंट, और ये बताओ क्या बच्चों, आर, ये टेंजेंट और ये बच्चों क्या है, आर, ठीक है ये आर, देखो ये टेंजेंट दिख रहा, और ये क्या बच्चों आर, ठीक है इंदर ये आर हम बनाए। अब देखो दोनों में डायरेक्शन देखना, दोनों में एंगल देखना, देखो दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री है, देखो कैसे हम इसको थोड़ा सा घुमा के दिखाते हैं, ये डी एल और ये आर, अब इन दोनों में एंगल देखो 90 डिग्री है, देखो तुम थोड़ा सा हम घुमा के दिखाते हैं, देखो 90 डिग्री है। अरे ये कैसे भी रहता है, ऐसे हो तो भी 90, ऐसे होता तो भी 90, ऐसे होता तो भी 90, 90 बनाएगा, दो लाइन है ऐसे 90 तो बनाएगा, देखो 90 बना रहा है ना सामने से, देखो 90, ठीक है। तो करके देखना पतले वायर में 90 दिखे, लगता नहीं है लेकिन होता 90 डिग्री, देखो 90 है, चाहे ऐसे हो तो भी 90, 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 90 ही बनाएगा, ठीक है 90 ही बनाएगा, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री है। वायर में करके देख लेना तुम लोग को साफ दिख जाएगा, ठीक है ना, ये दो पतला पेन में यूज करके देखना, अभी भी करना है तो करके देख लो, 90 तुम लोग को दिख जाएगा, यहाँ से दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो दिख जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 90 डिग्री। तो बताओ डी बी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन 90 तो वन हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, आर स्क्वायर साइन अल्फा ये हो गया, ओके। अब आर की वैल्यू तो तुम्हें न्यूमेरिकल में नहीं देगा ना, न्यूमेरिकल में वैल्यू कहाँ से देता है, सेंटर से, तो तुम्हें डी देगा और तुम्हें रेडियस देगा, जिसका इसका रेडियस हम क्या माने थे, ए, डी और ए देगा, तो आर को डी और ए के टर्म में रिप्लेस कर दो, अल्फा भी तो तुम्हें देगा नहीं, तो अल्फा को भी रिप्लेस कर दो, बस इतना ही करना है सर, तुरंत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल को नाम दे दो ओ ए बी पी पी पॉइंट पी, तो ओ ए पी पे आना, ओ ए पी पे आना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बताओ क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए स्क्वायर ये ए और ये डी है, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो रिप्लेस हो गया, अब साइन अल्फा रिप्लेस करना, साइन अल्फा इक्वल टू बताओ, देखो ये साइन अल्फा साइन थीटा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये है अल्फा, साइन अल्फा बताओ क्या होगा, ये मेरे को पता है और ये मेरे को पता है, ये कितना है बच्चों बताओ, साइन अल्फा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट कितना है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है आर, और आर की वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बताओ डी बी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, डी बी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साइन अल्फा की जगह ए अपॉन बच्चों ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पे पावर 1/2 लिख सकते हो ना, 1/2, ठीक है लिख सकते हैं। तो था डी बी एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बताओ आई ए डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2, क्योंकि पावर 1 प्लस 1 बाय बेस से में तो पावर 8 होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या होता है 3/2, तो ये बन गया। तो डी बी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, हाँ तो अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट डी बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्स का लोंग और पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड एक्स के ही लोंगे, तो हम टोटल बी ही लिख देते, तो बी लिख दिए
डी बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी, और इधर कांस्टेंट बाहर लो, म्यू कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ए और डी दोनों कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो पावर 3/2 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, डी एल का, कहाँ से कहाँ तक, छोटा छोटा डी एल को अगर मिलाओगे, डी एल डी एल डी एल, जैसे ये था ना, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई ए था, क्योंकि रेडियस ए था, या गोला करके निकाल सकते थे 2 पाई, ये डायरेक्ट लिख सकते थे, ये सेम वही जा रहा है जो उसमें किए थे, मिनट अपॉन 4 पाई आई ए ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चों, 2 पाई ए, दिख रहा है क्या सभी को, हाँ ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन गया, तो बी इक्वल टू क्या बन गया, मी नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, लिख लो, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का ऑन द एक्सिस पे है, ठीक है। अब इस पे केस निकालना है, केस निकाल लो, अब देखो केस की बात करते हैं, क्या पहला, फर्स्ट, अगर डी बहुत बड़ा हो ए के कंपेटिवली, डी मतलब जो डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस हो बहुत बड़ा हो, डी बहुत बड़ा हो ए के कंपेटिवली, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मी नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये ए को जीरो थोड़ी ना करोगे, ये तुम लोगों को पहले ही बताया ही हुआ, मल्टीप्लाई में ए जीरो नहीं होता कभी भी, कोई मान लो 1 करोड़, 1 करोड़ में 0.2, 1 करोड़ मान लो 0.5 का मल्टीप्लाई करते, 1 करोड़ के सामने 0.5 बहुत छोटा है, तो 1 करोड़ इंटू 0.5 करोगे तो वो 50 लाख बन जाएगा, लेकिन 1 करोड़ प्लस 0.5 करोगे, 1 करोड़ प्लस 0.5 करोगे तो क्या करेगा कोई, कोई बोलेगा मेरे पास 1 करोड़ 50 पैसा है, नहीं बोलेगा ना, लेकिन मल्टीप्लाई अगर 0.5 से कर दोगे तो उसको 50 लाख बना देगा, मतलब मल्टीप्लाई में उसका पावर बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल कर दो तो ए की वैल्यू ऑलमोस्ट इसके सामने क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, डी के सामने ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर 3/2, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल ही हो गया, ये तो ये क्या बन गया, 2 से 2 गया तो डी पे पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जब पहला केस है, दूसरा केस जब डी की वैल्यू क्या हो, 0, मतलब वो डी की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, वो ये पॉइंट पी जो है कहाँ पहुँच गया, इसके सेंटर पे पहुँच गया, सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे पहुँच गया, तो बता बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मी नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डी क्या हो गया, 0, तो 3 अपॉन 2 से 2 गया 1 पे पावर क्यूब, तो ए स्क्वायर गया, तो बताओ बी इक्वल टू क्या आ गया, मी नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए, ये तो हम पहले भी ड्राइव किए हुए ना सर्कल में, उसके सेंटर पे, सर्कल में उसके सेंटर पे ड्राइव किए थे ना, देखो यहाँ से भी आ गया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये भी हो गया, तो यहाँ तक करना, ड्राइवेशन अगर आता है 5 मार्क्स का आर्टिकल्स, 5 मार्क्स का आर्टिकल्स आता है तो यहाँ तक करना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे कोई तुमसे डायरेक्शन पूछता था, यहाँ पे जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, थंब रूल लगाओ, जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अंगूठा को इधर घुमाओ तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर करंट इधर घूम रहा है तो ऐसे घुमाए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इस पॉइंट पे भी इधर होगा, और इस पॉइंट पे भी अगर पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा, मतलब एक एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सेम, इधर भी इससे, इधर भी ऐसे, मतलब एक एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को कहीं पीछे ले लो एक्सिस पे पॉइंट, या आगे ले लो एक्सिस पे पॉइंट, इधर ले लो पॉइंट, इस इधर ले लो पॉइंट, या इधर ले लो पॉइंट, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन थंब रूल से निकलता है, अगर करंट ऐसे फ्लो करता क्लॉकवाइज, उधर से क्लॉकवाइज ऐसे, उधर से अगर क्लॉकवाइज फ्लो करता तो ऐसे होता, फिर ऐसे, तो डायरेक्शन क्या होता है इधर, तो इधर भी डायरेक्शन इधर होता है, इधर भी डायरेक्शन इधर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट में याद करो चार्ज होता था तो इधर इधर होता था और इधर इधर होता था, ये अंतर है इसमें, ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें डायरेक्शन लोग एक्सिस के थ्रू निकालते हैं, जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 रिंग, ठीक है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ रहा है, अब बोल रहा है
इन दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो एक का निकाल देना, दोनों का प्लस कर देना, क्योंकि इसके कारण भी इधर है और इसके कारण भी इधर है। लेकिन यही इलेक्ट्रोस्टेट में होता तो यहाँ जीरो आ जाता, क्योंकि इसके कारण इधर होता और इसके कारण इधर, अगर इस पर प्लस चार्ज होता, ठीक है, ये अंतर है दोनों में, ठीक है, प्लस चार्ज होता है इसके कारण इधर, इसके कारण इधर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर, ठीक है। मतलब एक एक्सिस में एक रिंग के कारण एक ही डायरेक्शन होता है दोनों, नहीं, ठीक है ना। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये है और एक ये दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो इसके कारण बताए इधर होगा और इसके कारण, अगर करंट इसमें इधर फ्लो कर रहा है, इसमें इधर, इसके कारण बच्चों इधर होगा, तो बी और बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये वेक्टर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, 90 डिग्री पुट करके, तो आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, बोला जाता है, तो बोला जाता है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये इसका भी इधर, इसका भी इधर, 90 डिग्री पर वेक्टर एडिशन कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके ग्राफ में देखो क्या आता है, बी इक्वल टू हमारा क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, यही था ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, और नीचे क्या था, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू पावर 3/2। अब देखो इसमें ग्राफ में क्या होता है ना, उसमें ग्राफ में होता था याद, उसका ग्राफ ऐसे बनता था, कुछ ऐसा था उसका ग्राफ, सेंटर पे उसके जीरो होता था और ये मैक्सिमम मिनिमम ये r/2 होता था, याद है। किसका ग्राफ की बात कर रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रोस्टेट में की हो, उसका ग्राफ ऐसा होता था, याद है, उसके सेंटर पे जीरो होता था, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनता। इसका ग्राफ देखो, जैसे से d बढ़ाओगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, घटेगी, जैसे से d बढ़ाओगे नीचे वाली क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी ना, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, घटेगा। ठीक है, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, घटेगा, ठीक ना, ठीक। डी उस समय बहुत बड़ा लिए थे ना, हाँ डी बहुत बड़ा ले गए, तो ये गायब हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जैसे तुम डी की वैल्यू बढ़ाओगे, अगर डी की वैल्यू बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि डी बी की वैल्यू बढ़ाओगे तो नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा, नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल बी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। समझ में आया, ओवरऑल बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, घटेगी। तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा बनेगा, सबसे ज़्यादा ये सेंटर पे होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज, और इधर भी ऐसा ही होगा, दोनों पॉजिटिव। उसमें क्या था, ऐसे बना था, याद है, और नीचे हम बोले थे नीचे क्यों, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट होता है तो दूसरी तरफ राइट होता है इलेक्ट्रोस्टेट में, लेकिन इसमें देखो सेम है, दोनों पॉजिटिव है, सेंटर पर ज़्यादा, फिर धीरे धीरे इधर भी कम, इधर भी जाके कम होता है, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, इसलिए इसको कट मत करना कभी भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये बी वर्सेज किसका, आर माने थे कि क्या माने थे इसको, हम क्या माने थे, डी, बी वर्सेज डी का, डी का क्या है ग्राफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का, बी वर्सेज डी का, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और डी फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ओवरऑल ये आर्टिकल्स का, ग्राफ भी बना दिए, डायरेक्शन भी बता दिए कैसे निकालना, कुछ न्यूमेरिकल का आइडिया भी दे दिए कैसे करना है, न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता दिया हूँ, तो मुझे लगता है जहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो, अगर पूरा समझ में आया तो ज़रूर अंडरस्टूड लिखना, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो ज़रूर, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख सकते हो अगर बहुत अच्छा वीडियो लगा हो तो, और वीडियो को शेयर कर सकते हो। देखो शेयर अगर वीडियो करते हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचेगी, तो मैं मुझे ना थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, अगर जितने अधिकतर जितने ज़्यादा लोगों को मैं पढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्लस मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर करना, तो बेल आइकन जरूर दबा देना, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।